दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो मित्रों, कल रीट के रिजल्ट को लेकर दोस्तों सर मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। बेटा आप लोगों की बुक आएगी 3 या 4 दिन और रुक जाओ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सिलेबस चेंज होने की थोड़ी शंका लग रही है, तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है दोस्तों। इसलिए गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? चलो बताओ बताओ कितने क्वेश्चन हो गए थे, कमेंट कर बताओ। कितने क्वेश्चन अपन कर चुके थे एक बार कमेंट करके बताओ दोस्तों, कितने क्वेश्चन अपन कर चुके थे कमेंट करके बताओ। और दोस्तों आप थोड़ा मतलब हैप्पीनेस हो रहा है क्योंकि रिजल्ट को लेकर दोस्तों, जब भी बच्चों को रिजल्ट आते हैं दोस्तों बहुत खुशी होती है, दिल से बताओ बहुत है, मतलब ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया, बस ऐसा लगता है मज़ा आ गया। बताओ दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको, जय श्री कृष्णा सबको, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? ओके गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा, आ जाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? सर मुझे बहुत वेट कर रहा हूँ। ओके बुक के लिए ठीक है। चलो मैं तो अपन बात करते हैं आगे के प्रश्नों की ओर, देखते हैं कितने प्रश्न अपन कर चुके थे उनके आधार पर अपन बात करते हैं। लगभग अपन ने 70 प्रश्न या दोस्तों कितने बहुत सारे प्रश्न अपन देख चुके थे। अभी अपना लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित टॉपिक चला दो, लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब क्वेश्चनों पर अपन चर्चा अपन कर रहे हैं। ओके सब प्रश्नों पर चर्चा अपनी चल रही है। ओके सभी को गुड मॉर्निंग, आ जाइए। 70 क्वेश्चन अपने हो चुके थे, लगभग 70 क्वेश्चन अपने हो चुके थे यहाँ तक अपना प्रश्न, 71 प्रश्न अपना बाकी था, 70 क्वेश्चन अपन कर चुके थे। सर 10 दिन हो गए कोर्स लेते, मज़ा आ गया आपका कोर्स लेकर, थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके अच्छा दोस्तों सीधी बात है, मज़ा यह है कि मात्र कोर्स की रेट है 299 रुपये, कोर्स की रेट 299 रुपये है। और पढ़ने में देखो मज़ा आया, देखो अब देखो देखो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई और आज आपकी क्लास होगी, संडे के दिन अपन क्लास लेते नहीं, क्योंकि दोस्तों संडे के दिन क्लास अपन तब लेंगे जब आपका वैकेंसी आ जाएगी, तब अपन बात करेंगे, इससे पहले करने से मतलब नहीं। ओके सर जल्दी जल्दी बुक लॉन्च करो, भाई जल्दी जल्दी कर लेंगे, जल्दी जल्दी का काम शैतान का होता है भाई। सीधी बात है, आगे से सुनो, ये कहना चाह रहा दोस्तों आप लोग सामने कि 1 दिसंबर 2008 को रोकड़ भाई का बैंक अधिविकर शेष आपका 2000 रुपये, मतलब कि यह है दोस्तों आपका नेगेटिव बैलेंस है, बैंक अधिविकर्स का बैलेंस नेगेटिव है 2000 रुपये से है, ये नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब है नेगेटिव बैलेंस है, ये हुआ। ओके बैंक में 10000 रुपये जमा कराने हैं, ओके बैंक में अपने 10000 रुपये जमा करा दिया, तो सीधी सी बात है बैंक का अपना पॉजिटिव बैलेंस हो गया 8000 रुपये, ये हुआ इसका मतलब। ओके आगे तथा किराए के बदले 7200 रुपये का चेक देने के बजाय, किराया चेक दिया मतलब 7200 रुपये अपन ने पेमेंट कर दिया तो ये चला गया, तो 800 रुपये अपना बैलेंस रह गया। अब ये 800 रुपये का जो बैलेंस है ये डेबिट रहा या क्रेडिट रहा ये इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लस में है मतलब कि डेबिट बैलेंस अपना रह गया, बस डेट्स ऑल, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब जिस अकाउंट से तुम डरते हो ना उसके साथ खेलो, उसके साथ खेलो। आपने भाई हमारा माइनस का बैलेंस था 10000 हमने जमा करा दिए, बैलेंस प्लस का हो गया, उसके बाद 7200 चले गए, तो प्लस का बैलेंस आपका 2800 रह गया। और आप जानते हो बैंक रोकड़ बैंक के बैंक कॉलम का जो प्लस का प्लस होता है वो आपका डेबिट होता है, तो प्लस है तो डेबिट है दोस्तों, और ये माइनस है तो ये क्रेडिट बैलेंस है जिसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका जितना पैसा बैंक में था उससे ज़्यादा आपने विड्रॉल कर रखा है, ये बात कहानी आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, ओके रोकड़ भाई में निम्न से कौन सी प्रविष्टि नहीं होती? सिंपल सी बात है, रोकड़ भाई में वो एंट्री नहीं होती जिसका संबंध केस से नहीं होता, रोकड़ भाई में केवल केस से संबंधित एंट्रियां होती हैं, जिनका नगद में लेन देन होता है, जो नगद से संबंधित है उन्हीं एंट्रियों को रोकड़ भाई में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। रोकड़ भाई में दोस्तों आप जानते हो व्यापारिक भट्टे की तो कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं होती, व्यापारिक भट्टा दोस्तों अधिक से अधिक माल बेचने के लिए दिया जाता है। बैड डेब्ट्स का मतलब था कि अगर कोई देनदार है और मान लो वो पैसा नहीं देता, उसका पैसा डूब जाता है, तो उसे बैड डेब्ट्स कहते हैं। और बैड डेब्ट्स व्यापार की कौन सी हानि होती है? आयगत हानि होती है। ये व्यापार की कौन सी हानि होती है? आयगत हानि होती है। उधार खरीदा, उधार खरीदने का लेखा दोस्तों क्रय भई में होता है,
उधार खरीदने का लेखा दोस्तों आपका क्रय बही में होता है, तो इन सभी मदों का लेखा नहीं होता। ओके, अच्छा, डूबत ऋण की जो एंट्री होती है वो मुख्य जर्नल में होती है। किस होती है? मुख्य जर्नल में होती है, ध्यान रखना। डूबत ऋण की एंट्री मुख्य जर्नल में होती है, उधार क्रय का लेखा क्रय बही में होता है, और व्यापारिक भट्टे की कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि व्यापारिक भट्टा अधिक से अधिक माल बेचने के संबंध में दिया जाता है, याद रखना। ओके, चलो समय आ रहा है। चलो मित्रों, अगला प्रश्न आ रहा है आपका, रोकड़ बही में निम्न में से कौन सी विपरीत प्रविष्टि नहीं है। अब आपको पहले यह समझना है कि एक्चुअल में विपरीत प्रविष्टि क्या होती है। विपरीत प्रविष्टि का मतलब था आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। विपरीत प्रविष्टि का मतलब था कॉन्ट्रा एंट्री। विपरीत प्रविष्टि वो प्रविष्टि होती है जिसमें आपका नगद, जिसमें दोस्तों आपका केस और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं, वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री का लेखा तीन खानों वाली रोकड़ बही में किया जाता है। तीन खानों वाली रोकड़ बही में दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री का लेखा किया जाता है। जैसे कि अपना मतलब बैंक में रोकड़ जमा कराए, इसका मतलब बैंक हो गया पाने वाला व्यक्ति, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगी दोस्तों आपकी केस, क्योंकि बैंक है पाने वाला व्यक्ति और केस अपना जा रहा है, इसका मतलब इसका ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि इसमें केस और बैंक दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं। बैंक से रोकड़ निकाली मतलब कि केस अकाउंट डेबिट टू बैंक, भाई केस अपने पास आ रहा है और बैंक अपने को दे रहा है, तो देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट और पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं। बैंक से निजी प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली, अगर पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालते हो तो एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आ जाएगी, इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो आप जानते हो तीसरा है कि कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, विपरीत प्रविष्टि इसे नहीं कहते। सुनिए और समझना, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है मेरे प्यारे साथियों जिसमें केस और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री के अंतर्गत दोस्तों एक आपका रियल अकाउंट होता है और एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री में एक आपका वस्तुगत खाता और एक आपका व्यक्तिगत खाता प्रभावित होता है। कॉन्ट्रा एंट्री का लेखा तीन खानों वाली रोकड़ बही में किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में केस और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री केस और बैंक दोनों खाते क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में यहां पर रखना। आगे उसके बाद है, यदि किसी लेन देन के डेबिट तथा क्रेडिट दोनों पक्षों का लेखा रोकड़ बही में किया जाता है तो वो एंट्री कौन सी कहलाती है। तो आप जानते हो जिसके डेबिट में भी लेखा होता है और जिसके क्रेडिट में भी होता है और वो भी रोकड़ बही के अंतर्गत दोस्तों, तो उस रोकड़ बही को तीन खानों वाली रोकड़ बही कहा जाता है। ओके, तीन खानों वाली रोकड़ बही में जो एंट्री होती है वो विपरीत प्रविष्टि होती है जिसमें आपका केस और आपका बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं, जिसमें आपका केस और आपका बैंक दोनों खाते दोस्तों क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, और इस तरह की एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, और कॉन्ट्रा एंट्री का लेखा दोस्तों आपका केस में और बैंक में दोनों में होता है, याद रखना। ओके मेरे प्यारे साथियों, ओके दोस्तों आगे, लघु रोकड़ बही का शेष कैसा होता है। देखो मैं तो आपको बता दूं, लघु रोकड़ बही जिसे हम खुदरा रोकड़ बही भी कहते हैं, पहले तो इसका नाम दो, इसको खुदरा रोकड़ बही भी कहा जाता है। लघु रोकड़ बही को खुदरा रोकड़ बही भी हम कहते हैं। ओके, लघु रोकड़ बही को दोस्तों फुटकर रोकड़ बही भी कहते हैं। लघु रोकड़ बही को दोस्तों फुटकर रोकड़ बही भी कहा जाता है, फुटकर रोकड़ बही भी हम कहते हैं। ओके, लघु रोकड़ बही जो होती है वो अग्रदाय लेखा प्रणाली पर आधारित होती है। अग्रदाय लेखा प्रणाली पर आधारित होती है, यानी इंप्रेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पर आधारित होती है। लघु रोकड़ बही में दोस्तों छोटे मोटे व्यापार में होने वाले खर्चों का लेखा किया जाता है। लघु रोकड़ बही तैयार करने के लिए दोस्तों एक लघु रोकड़िया होता है, एक फुटकर रोकड़िया होता है, पेटी केसी होता है, और आप जानते हो ये एक रोकड़ बही का भाग है। तो जब ये रोकड़ बही का भाग है तो ये अपनी क्या है, संपत्ति है दोस्तों, ये अपनी असेट्स है। और आप जाना लघु रोकड़ बही का शेष हमेशा इसका शेष डेबिट होगा दोस्तों, क्रेडिट शेष इसका कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पहले पैसा लिया जाता है और फिर पैसा खर्च किया जाता है, तो नेगेटिव बैलेंस होने का चांस ही नहीं है। भाई जितना जेब में पैसा होगा उतना ही पैसा वो खर्च करेगा, तो नेगेटिव बैलेंस तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम ये कह सकते हैं इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। देखिए मैं तो जूनियर अकाउंटेंट एक ऐसी भर्ती है जिसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स हर एक विद्यार्थी आता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आप में से आर्ट्स साइंस कॉमर्स हर कैटेगरी का विद्यार्थी होगा, लेकिन दोस्तों आपको जो पढ़ने का मजा आएगा वो आपको यहां पर आने वाला है। ओके, तो अपन ये सारी बातें ध्यान रखना। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके,
अगला लघु रोकड़ बही में लिखे जाते हैं। भाई लघु रोकड़ बही में क्या लिखे जाते हैं? ओके, सभी खर्चे, सभी लघु खर्चे, सभी लघु खर्चे जिनका भुगतान नगद में लघु रोकड़ीय के द्वारा किया जाए। देखो सभी लघु खर्चे, लघु खर्चे का मतलब छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, यानी जो चाय, नाश्ते, रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग वगैरह वगैरह। देखो मित्रों, जब बहुत बड़ा व्यापार होता है ना, जैसे सपोज करो आज मैं कहूँ दोस्तों, आज मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप है, अपने आप में बहुत बड़ा है आपके आशीर्वाद से। मेरा एक केसियर है, जब भी मैं कहीं खाना खाने जाता हूँ या कोई छोटी मोटी चीज़ें मंगाता हूँ तो मैं पेमेंट नहीं करता, मैं उसको महीने के 10-20 हज़ार रुपये दे देता हूँ, वो खर्चा करता रहता है और हर महीने मेरे को हिसाब भेज देता है, और जब उसके बाद पैसा खर्च हो जाता है वो पैसा हमसे ले लेता है। तो इसका मतलब वो एक, और वो अपनी एक डायरी मेंटेन करता है, उस डायरी को बोलते हैं पेटी केस बुक। वो डायरी क्या कहलाती है? पेटी केस बुक, जिसमें बहुत सारे कॉलम है, चाय पर कितना, नाश्ते पर कितना, स्टेशनरी पर कितना, और रेंट पर कितना, किराए पर कितना, फलाना, बहुत सारी वो छोटे मोटे खर्चे लिख लेता है दोस्तों आगे। तो अपन कह रहे हैं वे छोटे मोटे खर्चे जिनका भुगतान नगद में लघु रोकड़, जो पेटी केसर होता है, क्योंकि लघु रोकड़ भाई को तैयार करने के लिए एक पेटी केस बुक होता है, पेटी केसर होता है। और एक को जाना, इस लघु रोकड़ भाई को तैयार करने का जो सिस्टम है वो आपका अग्रदाय लेखा प्रणाली को माना जाता है। अग्रदाय लेखा प्रणाली, अग्रदाय जो लेखा प्रणाली है, अग्रदाय जो लेखा प्रणाली है, उस अग्रदाय लेखा प्रणाली को दोस्तों, अग्रदाय लेखा प्रणाली को हम इसके सिस्टम के, ओके, अग्रदाय लेखा प्रणाली को लघु रोकड़ बही का सिस्टम लेकर हम चलते, याद रखना। ओके, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, इनमें से कौन सी सहायक भैया, अब सुनो, पहले तो अपन देखते हैं, ऑप्शन मत देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखें। सर आपकी बुक कब तक आएगी? मेरी बुक आएगी मात्र 2-3 दिन हो जाओ, 1 तारीख को दोस्तों मेरी 2 किताबें लॉन्च है, टेंशन मत मत। देखो मैं तो आ जाओ, अब सुनो, मैंने क्या कहा, सहायक भैया इनमें से कौन सी, इनमें से कौन सी सहायक भैया, इनमें से सहायक भैया कौन सी है, पहले ये देखिए इनमें से सहायक भैया कौन सी दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सहायक भैया, सहायक भैया वे भैया होती है जो व्यापार में सहायता करने के लिए बनाई जाती है, जो व्यापार की आर्थिक सहायता कर, सॉरी व्यापार, जब सपोज करो कि एक व्यापार बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन, दिन प्रतिदिन दोस्तों बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत सारे ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो उस स्थिति में व्यापार के हर लेन देन को अलग अलग दिखाने के लिए एक भई तैयार होती है, उसे हम सहायक भई कहते हैं। हर लेन देन को अलग अलग प्रकार से दिखाने के लिए एक भई होती है, उसे हम सहायक भई कहते हैं। सहायक भई दोस्तों, जैसे कि एक क्रय भई होती है, क्रय भई में दोस्तों केवल उधार क्रय का लेखा, उधार क्रय का लेखा, उधार माल क्रय का लेखा, उधार माल क्रय का लेखा होता है। ओके, तो अपन जानते हैं कि जो भी उधार माल खरीदा उसका लेखा क्रय बही में होता है। विक्रय वापसी बही दोस्तों, आप जानते हैं विक्रय वापसी बेचे गए माल की वापसी का लेखा होता है, और विक्रय वापसी बही के लिए क्रेडिट नोट जारी होता है विक्रेता द्वारा क्रेता को, विक्रेता द्वारा क्रेता को दोस्तों क्रेडिट नोट जारी किया जाता है, ये प्रश्न आ जाता है। प्राप्य बिल भाई दोस्तों, ये भी एक सहायक भैया होती है। तो ये सारी की सारी सहायक भैया होती है। अब मैं तुमसे कहूँ कि सहायक भैया कितने प्रकार की होती है? सहायक भैया दोस्तों आपके 8-7 प्रकार की, यानी अपन 8 प्रकार की मान लेते हैं। अब सुनो कैसे, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि सहायक भैया जो होती है, सहायक भैया जो सब्सिडरी बुक्स होती है, सहायक भैया जो होती है मेरे प्यारे साथियों, वो सहायक भैया आप लोगों की एक तरह प्रारंभिक पुस्तकें होती है, ये व्यापार की लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तकें होती है, पहली बात तो। ओके, और सहायक भैया को बुक कीपिंग का भाग माना जाता है, ये बुक कीपिंग के अंतर्गत आती है, पुस्तक पालन के अंतर्गत दोस्तों आती है, बुक कीपिंग का भाग, इनको बुक कीपिंग का भाग माना जाता है। ओके, सहायक भैयों में दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों आपकी एक तो परचेज बुक होती है, परचेज बुक दोस्तों आपकी एक सहायक भई होती है, एक आपकी सेल्स बुक होती है, सेल्स बुक भी दोस्तों आपकी एक सहायक भई होती है, एक आपकी परचेज रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न भी दोस्तों आपकी एक सहायक भई होती है, एक आपकी सेल्स रिटर्न होती है, ये भी एक प्रकार की सहायक भई होती है। इसका बिल्स पेएबल, बिल्स रिसेबल बुक जो होती है वो आ जाएगी, बिल्स पेएबल जो है वो आ जाएगी, केस बुक और मुख्य जर्नल, ये 8 प्रकार की सहायक भई होती है। सहायक भैयों को दोस्तों प्रारंभिक पुस्तकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और सहायक भैया और जर्नल के बिहाव पर ही लेजर का निर्माण होता है, ये ध्यान। भाई सहायक भैयों का जो बैलेंस होता है, सहायक भैयों का जो मंथली बैलेंस होता है वो हमेशा लेजर में चला जाता है,
ये परचेज बुक का जो बैलेंस है, परचेज बुक का जो टोटल है, वो हमेशा दोस्तों लेजर में चला जाएगा, परचेज अकाउंट में चला जाएगा, ध्यान रखना। पहली बात आती है कि सहायक भैया हम क्यों बनाते हैं। दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हम माल खरीदते हैं तो व्यापारी क्या करता है, अपनी सुविधा के लिए नगद खरीदे गए माल का लेखा वो केस बुक में कर लेता है और उधार खरीदे गए माल का लेखा वो परचेज बुक में कर लेता है। नगद बेचे गए माल का लेखा वो केस बुक में कर लेता है, उधार बेचे गए माल का लेखा परचेज सेल्स बुक में कर लेता है। वो हर चीज का, हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग प्रकार से अलग अलग बुकों में रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे दोस्तों उसको अपने अकाउंट मेंटेन करने में कोई दिक्कत ना आए मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए सहायक, इनका नाम है सहायक, ये व्यापार की सहायता करती है, व्यापार की हेल्प करती है कि जब बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बढ़े हुए बिजनेस को कंट्रोल में रखने के लिए हर चीज की अलग अलग एक बुक मेंटेन कर ली जाती है, जिससे दोस्तों ट्रांजैक्शंस को आराम से रिकॉर्ड कर सके और अच्छी तरीके से लेजर बनाकर ट्रायल बैलेंस के माध्यम से फाइनल अकाउंट बनाकर रिजल्ट निकाल लिया जाए। इसीलिए सहायक भैया बनाई जाती है। सहायक भैया प्रारंभिक पुस्तकों के अंतर्गत आती है तो बुक कीपिंग का पार्ट होता है। और एक धारणा, जर्नल और सहायक भैया, जर्नल और सहायक भैया इन दोनों के आधार पर ही लेजर का निर्माण होता है और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट। यही तो अकाउंट्स है दोस्तों। और अकाउंट्स है क्या दोस्तों, एक दो कोड़ी का सब्जेक्ट है, मतलब कहते ना कि कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप अगर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, मैं कह रहा हूं दोस्तों आपको इतना इजी बना दूंगा कि आपको यार वाकई सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि आप जानते हो कि जर्नल और सहायक, पहले जर्नल और सहायक भैयों के आधार पर हम लेजर का निर्माण करते हैं। तो सहायक भैया प्रारंभिक पुस्तकों के अंतर्गत आती है और इनको बुक कीपिंग का भाग माना जाता है। ओके चलो मित्रों आगे आ जाओ। दोस्तों क्रय भई में किसका लेखा किया जाता है, माल का क्रय, माल तो हम नगद भी खरीदते हैं और उधार भी खरीदते हैं, पता नहीं माल का उधार करें, बिल्कुल अगर हमने कोई उधार माल खरीदा है, उधार खरीदे गए माल का लेखा दोस्तों आपका क्रय भई में होता है। संपत्ति हमने उधार खरीदी, इस चीज का लेखा मुख्य जर्नल में होगा, मतलब कि जर्नल प्रॉपर में दोस्तों इसका लेखा किया जाएगा। दोस्तों देखिए मित्रों, हम उधार माल खरीदे, उधार माल का लेखा क्रय भई होता है और क्रय भई का जो योग है, क्रय भई के योग को, ओके योग को अपर क्रय खाते में, कहां पर, क्रय खाते में स्थानांतरित करते हैं। क्रय भई के योग को क्रय खाते में स्थानांतरित करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहता हूं कि क्रय भई का जो योग होता है, परचेज बुक का जो टोटल होता है, परचेज बुक के टोटल को हम क्रय खाते में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, क्रय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्रय भई के योग को परचेज अकाउंट में दोस्तों यानी क्रय खाते में ट्रांसफर कर देते, इस बात को ध्यान रखना। ओके क्लियर दोस्तों आप सभी को। ओके और अपन जानते हैं कि संपत्ति का उधार करे दोस्तों क्या करता था, मुख्य संपत्ति अपन ने उधार करी इसका लेखा मुख्य जर्नल में किया जाता है, याद रखना। क्लियर दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सी प्रविष्टि विपरीत प्रविष्टि है। अब आपको पता है कि विपरीत प्रविष्टि होती क्या है, पहले तो ये समझिए विपरीत प्रविष्टि होती क्या है दोस्तों, ये समझना। विपरीत प्रविष्टि वो प्रविष्टि होती है जिसमें केस और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं, मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा लेन देन जिसे केस और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं उसे हम विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो नगद विक्रय की राशि तुरंत बैंक में जमा करा दी, नगद माल बेचा और उसकी तुरंत राशि उसे, तो इसके अंदर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, भाई इसकी जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब इसमें केस खाता प्रभावित नहीं हो रहा, और जब केस खाता प्रभावित नहीं हो रहा तो ये विपरीत प्रविष्टि नहीं होती। चेक प्राप्त किया और उसको उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, वही बात है, हमको चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा करा, तो वही एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, तो जिस व्यक्ति से, उस कस्टमर का नाम आ जाएगा जिससे वो चेक मिला। पिछले दिन प्राप्त चेक, पहले चेक मिला उस, तो देखो जब किसी व्यापार, जब किसी व्यक्ति से कोई चेक मिलता है वो 200 केस माना जाता है जब तक उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा दिया जाता। तो यहां पर देखो पिछले दिन प्राप्त चेक, अपने को चेक तो पहले ही मिल गया था लेकिन उसको बैंक में हम अगले दिन में जमा कराए, तो इसका मतलब दोस्तों एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू केस, मतलब इसमें आपका बैंक और केस दोनों खाते प्रभावित हो रहे, ये याद रखना। मैं समझाता हूं कैसे। सपोज करो आज है 227 मई, ओके मैं कह दूं रमेश से चेक प्राप्त हुआ,
रमेश से चेक प्राप्त हुआ। सुना, रमेश से चेक प्राप्त हुआ। अब जब किसी व्यक्ति से कोई चेक मिलता है और उसको जब उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते तब तक वो केस ही माना जाता है। ध्यान, तो यहाँ एंट्री के केस अकाउंट डेबिट टू देने वाला व्यक्ति कौन है? रमेश। रमेश एक व्यक्तिगत खाता है और व्यक्तिगत खाते का नहीं होता, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो केस अकाउंट डेबिट टू रमेश, केस अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये एंट्री देगी। तो केस अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो रमेश से चेक प्राप्त हो, तो केस अकाउंट डेबिट टू रमेश, इस तरह से एंट्री यहां पर हो जाएगी। अब सुनो, इस चेक, अच्छा अब ये चेक अपने पास पड़ा है और आप जानते हो नेगोशिएबल एक्ट 1881 की धारा 6 में लिखा गया कि एक चेक को आप 3 महीने तक अपने पास रख सकते हो, 3 महीने की उसकी वैधता अवधि होती है। एक चेक की वैधता होती 3 महीने की। हमने इस चेक को मान लो कि 29 तारीख को बैंक में जमा कराया, क्योंकि मान लो 28 का संडे आ गया, 29 तो ये रमेश का चेक बैंक में जमा कराया, तो इस दिन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू केस। क्योंकि जब अपन चेक को बैंक में जमा कराते हैं तो ये मानते हैं कि जैसे कि हम बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, और बैंक में पैसा जमा करवाने की जो एंट्री होती है वो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू केस, वो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू केस होती है। ये याद रखना भाई, बैंक में पैसा जमा कराने के एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। इस बात को याद रखना, एक ग्राहक ने सीधे ही हमारे खाते में रुपए जमा करा दिए, मतलब एक ग्राहक ने अपने को इन्फॉर्म किए बिना सीधे ही बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होती है। तभी तो कहते हैं दोस्तों, इसीलिए तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, और आपके सिलेबस में पढ़ाऊंगा कि BRS क्यों बनाया जाता है, बस इसलिए बनाया जाता है। अब मान लो एक ग्राहक ने अपने खाते में पैसा जमा करा दिया और अपने को इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया लेकिन केसबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। बैंक की पासबुक में बैलेंस बढ़ गया लेकिन केसबुक की जब बैंक एंट्री में उसका बैलेंस नहीं बढ़ा, तो अपन कह सकते हैं इसीलिए BRS, क्योंकि दोस्तों वहां पर बैंक की पासबुक और केसबुक के बैंक कॉलम में डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस आने की वजह से दोस्तों BRS बनाया जाता है। तो ये एक रीजन है, तो यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी आपके थर्ड नंबर की। समझ आ रहा दोस्तों? अच्छा समझ रहा। देखिए मित्रों, आप सभी को पता है जूनियर अकाउंटेंट में सेकंड पेपर की मेरी फीस है मात्र 299 रुपए। फीस कम है लेकिन मैं फिर कहता हूँ फीस कम है, लेकिन दोस्तों ताकत कंटेन में वो है जो दुनिया की किसी में नहीं, वो आप लेके देख सकते हो। एक बार यहाँ पढ़ने के बाद दोस्तों बच्चा कहीं नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, #hashtag स्टॉप एजुकेशन विद, शिक्षा के व्यापार को खत्म करना, शिक्षा के व्यापार को खत्म करना दोस्तों, यही अपना एक टारगेट है, यही अपना एक लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य के लिए दोस्तों हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे क्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है, क्रय वापसी बही में, क्रय वापसी बही में परचेज रिटर्न बुक में हम किस बात का लेखा करते हैं? अब पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, परचेज वापसी, क्रय वापसी बही के लिए दोस्तों एक नोट जारी होता है, डेबिट नोट। इसके लिए एक तो डेबिट नोट जारी होता है, यह नोट कौन जारी करता है? क्रेता द्वारा विक्रेता को, क्रेता द्वारा विक्रेता को दोस्तों यह नोट जारी करता है। भाई खरीदने वाला जो है वो वापस अपना माल बेचने वाले को दे रहा है, तो क्रेता विक्रेता को नोट देगा, उसे डेबिट नोट कहते हैं, और यह क्रय वापसी संबंध में होता है। भाई अपन ने कोई उधार खरीदा, उधार खरीदे गए माल की वापसी का जो लेखा होता है वो इस क्रय वापसी बही में होता है। यहां पर माल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, संपत्ति शब्द इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है, संपत्ति शब्द यहां पर। तो अगर कोई हमने उधार खरीदे गए, अगर आपने कोई माल उधार खरीदा उसका लेखा आपने परचेज बुक में कर लिया था, ओके, अगर वो किसी रीजन से माल वापस आ रहा है उसका लेखा परचेज रिटर्न बुक में होगा, और परचेज रिटर्न बुक के संबंध में डेबिट नोट जारी किया जाता है, क्रेता द्वारा विक्रेता को डेबिट नोट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपका, इनमें से कौन सी एक सहायक बही नहीं है, इनमें से सहायक बही कौन सी नहीं? अब सुनो, क्रय वापसी बही, क्रय वापसी बही के लिए डेबिट नोट जारी होता है, और उधार बेचा गया माल किसी कारण से जब वापस आ जाता है उसका लेखा इसमें कर दिया जाता है। देय विपत्र बही, बिल्स पेएबल जो बुक होती है, बिल्स पेएबल जो बुक होती है दोस्तों, इसका लेखा भी यहां पर हो जाए,
और विक्रय वही जो होती है इसमें उधार बेचे गए माल का लेता है। खाता वही दोस्तों सहायक बनी, खाता वही जो होती है वो एक प्रधान पुस्तक होती है दोस्तों, प्रधान पुस्तक। खाता वही दोस्तों एक प्रधान पुस्तक होती है। खाता वही के दो पक्ष होते हैं, कितने पक्ष? दो पक्ष होते हैं, एक होता है आपका डेबिट पक्ष, एक होता है आपका क्रेडिट। डेबिट पक्ष में 2 शब्द का प्रयोग होता है, क्रेडिट में 22 शब्द का प्रयोग होता है। खाता वही का जो शेष होता है, खाता वही का जो शेष होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर चला जाता है दोस्तों। खाता वही दोस्तों, खाता वही का निर्माण जर्नल तथा सहायक भाइयों की सहायता से किया जाता है। खाता वही के दो कॉलम होते हैं, हर कॉलम में 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जनरल पोलियो और अमाउंट। तो इस प्रकार 8 कॉलम होते हैं खाता भाई। खाता भाई में टोटल में लगभग 8 कॉलम होते हैं, 4 इस साइड होते हैं, 4 उस साइड होते हैं, 4 डेबिट में, 4 क्रेडिट में। इस प्रकार खाता भाई का निर्माण अपन यहां पर करते रहते हैं। ओके, अगला, अब आगे आगे यहां तक दोस्तों आप लोगों को समझ आगे। अब सुनो, यहां तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो रही है अच्छे से। ओके, अब सुनो आगे आ रहा है विक्रय वही का लाभ। ओके, यहां पर दोस्तों विक्रय वही का जो विक्रय वही का लाभ, विक्रय वही का लाभ पूछा कि विक्रय वही का क्या लाभ है, विक्रय वही का लाभ पूछा। जरा पहला, एक तो उधार विक्रय किए गए माल का कुल मूल्य ज्ञात होता है, बिल्कुल, क्योंकि विक्रय वही में उधार बेचे गए माल का लेखा होता है और उसका जो भी कुल मूल्य होता है वो आपका विक्रय खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, प्रत्येक पक्षकार को विक्रय किए गए माल का मूल्य पता होता है, क्योंकि विक्रय वही बनाते समय हमने किन किन व्यक्तियों को माल बेचा उनका मूल्य ऑटोमेटिकली पता पड़ जाता है। व्यापारिक खाता बनाने में सुविधा होती है, बिल्कुल दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में दिक्कत होती है जिसमें उधार की एंट्री अलग, क्योंकि विक्रय वही से हम दोस्तों ये पता लगा सकते हैं कि हमारे टोटल डेटर्स कितने हैं, टोटल डेटर्स कितने, मतलब कुल देनदार कितने, किस व्यक्ति से हम कितना कितना रुपया मांगते, इस बात का पता लग जाता है विक्रय वही से। भाई देनदारों की संख्या, देनदारों की संख्या और देनदारों के मूल्य का आकलन हो जाता है विक्रय वही के भाव से, क्योंकि विक्रय वही, सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मेरे को कितने एफर्ट लगाने, कुछ भी नहीं, बस क्लास देखो सब याद रहेगा सब। तो अपना यहां जाएगा उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं विक्रय वही के माध्यम से आप अपने टोटल डेटर्स के बारे में पता लगा सकते हो, क्योंकि डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनको उधार माल बेचा जाता है। डेटर्स अपनी करंट असेट्स होती है और इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ये भी ध्यान। तो विक्रय वही के माध्यम से कुल देनदारों की संख्या और कुल देनदारों से कितना पैसा हम मांगते, इस बात का आकलन अपने को सीधे सीधे शब्दों में यहां पर हो जाता है। आ रहा समय दोस्तों अच्छे से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विक्रय वही में यानी सेल्स बुक में किसका लेखा होता है? सभी उधार विक्रय नहीं, सभी नहीं होता सभी, क्योंकि सभी में तो दोस्तों आपका माल भी होता है। तो आप जैसे माल का, माल उधार विक्रय का लेखा सेल्स बुक में होता है दोस्तों, और संपत्ति उधार विक्रय का लेखा दोस्तों आपका मुख्य जर्नल में होता है। ओके, तो ये दोनों बातें आपको समझनी है, ऐसे टाइम पास करके नहीं पढ़ना। ओके, मुख्य जर्नल में होता है। अगर हमने उधार माल बेचा तो लेखा सेल्स बुक में होगा, और अगर उधार संपत्तियां बेची तो लेखा मुख्य जर्नल होगा। उधार संपत्तियां बेची तो मुख्य जर्नल हो जाएगा। ओके, संपत्ति का उधार विक्रय, अगर हमने संपत्ति का उधार बेचा है दोस्तों तो उसका लेखा कहां होगा? मुख्य जर्नल में होगा। कहां होगा दोस्तों? उसका लेखा मुख्य जर्नल में किया जाएगा। माल का उधार विक्रय, अगर हमने माल को उधार बेचा है, अगर हमने माल को उधार बेचा है तो उसका लेखा दोस्तों सेल्स बुक में होगा, और सेल्स बुक का जो योग है वो आपके सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। सेल्स बुक के माध्यम से देनदारों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। ओके, आगे, सभी उधार और नगद विक्रय नहीं दोस्तों। नगद माल नगद विक्रय का लेखा केस बुक में होता है और उधार बेचे गए माल का लेखा सेल्स बुक में होता है, क्योंकि सेल्स बुक एक सहायक बही होती है। सेल्स बुक दोस्तों एक सहायक बही होती है जिसमें केवल उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है, यानी उधार बेचे गए माल का लेखा, उधार बेचे गए माल का लेखा उसके अंतर्गत दोस्तों किया जाता है, याद रखना। आगे, इनमें से किसका विक्रय वापसी बही में लेखा होगा? अब सुनो, विक्रय वापसी बही दोस्तों इसे कहते हैं हम सेल्स रिटर्न बुक। सुनना दोस्तों, विक्रय वापसी बही में दोस्तों, विक्रय वापसी बही के संबंध में दोस्तों आपका एक तो क्रेडिट नोट जारी होता है, क्रेडिट नोट। ओके, और ये दोस्तों किसके द्वारा था? विक्रेता द्वारा क्रेता को, विक्रेता द्वारा, ओके, विक्रेता द्वारा क्रेता को, विक्रेता द्वारा जो क्रेता होता है, विक्रेता द्वारा क्रेता को दोस्तों इस प्रकार की दोस्तों सेल्स रिटर्न बुक जारी होती है। विक्रेता द्वारा क्रेता को सेल्स रिटर्न बुक हम जारी करते हैं। इस सेल्स रिटर्न बुक में कहता है उधार बेचा गया माल अगर किसी कारण से वापस आ जाता है,
उधार बेचा गया माल किसी कारण से दोस्तों अगर वापस आ जाता है उसका लेखा, नगद विक्रय किए गए माल की वापसी का लेखा दोस्तों विक्रय वापसी भाई में नहीं होता। धारणा, उधार बेचे गए माल की जब वापसी होती है तो उसका लेखा सेल्स रिटर्न बुक में होता है दोस्तों, और इसके लिए क्रेडिट नोट जारी होता, मतलब जमा बीजक जारी होता है, और ये विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाता है। मान लो कोई माल में कोई कमी रह गई हो, डिस्काउंट सही नहीं दिया हो, या टूट फूट हो गई, कोई भी रीजंस हो गया हो, तो दोस्तों माल वापस आ जाता है। मान लो कोई माल बेचा और वो वापस आ जाता है उसका लेखा, तो उधार विक्रय किए गए माल की जो वापसी होती है उसका लेखा दोस्तों सेल्स रिटर्न बुक में होता है। दोस्तों कहां होता है? सेल्स रिटर्न बुक में होता है, और इसके लिए दोस्तों विक्रेता द्वारा क्रेता की बात यहां पर आ जाती है। अगला आता है दोस्तों कि क्रय भाई परचेज बुक में इनमें से किसका लेखा होता है? परचेज बुक में दोस्तों इनमें से किसका लेखा होता है? अच्छा, व्यापारिक छूट को घटाकर। अब सुनो दोस्तों एक बात, आप व्यापारिक छूट को घटाकर, बेसिकली आप जानते हो व्यापारिक छूट को जोड़ा कभी नहीं, क्योंकि व्यापारिक छूट की तो कोई एंट्री होती नहीं। ट्रेड डिस्काउंट की दोस्तों व्यापार की पुस्तकों में किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होती, ये अधिक से अधिक माल बेचने के संबंध में दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, ध्यान रखना। आगे नगद छूट को घटाकर, यार तो व्यापारिक छूट को घटाकर, ट्रेड डिस्काउंट को घटाकर हम क्रय बही में एंट्री करते हैं, और क्रय बही में केवल और केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा होता है, और ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो ट्रेड डिस्काउंट को केवल और केवल इनवॉइस में से घटाकर दिखाया जाता, बीजक मूल्य से घटाकर दिखाया जाता है। अगला प्रश्न आता है उधार खरीदी गई संपत्ति, अगर मान लो मैंने कोई उधार संपत्ति खरीदी, उधार खरीदी गई संपत्ति का लेखा, देखो आप जानते हो यहां पर संपत्ति है, और संपत्तियां वो वस्तुएं होती है जिनका व्यापार नहीं होता, जिनको खरीदा बेचा नहीं जा रहा। सर केस में बचा हुआ माल अगर वापस आता है तो उसकी एंट्री को, बेटा केस में बचा उसकी एंट्री केस बुक में होती है, केस से संबंधित होता है। ओके बेटा, अब सुनो क्रय बही में केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा होता है, क्रय वापसी भाई में दोस्तों उधार खरीदा गया माल किसी रीजन से वापस करते हैं उसका लेखा होता है, जिसके लिए डेबिट नोट क्रेता विक्रेता को भेजता है। रोकड़ भाई में केवल नगद में होने वाले लेनदेनों का लेखा होता है, और जिन लेनदेनों का लेखा बाकी भाइयों में नहीं होता, और जो केवल दोस्तों उधार से तो वो उनका लेखा मुख्य रोजनाम से होता है दोस्तों, जितने भी जर्नल प्रॉपर, जिसको अपन जर्नल प्रॉपर कहते हैं, उसका लेखा दोस्तों मुख्य रोजनामचे में होता है। ये धारणा, जर्नल प्रॉपर में उसका लेखा कर दिया जाता है, उसका लेखा मुख्य जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में कर दिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है क्रय भाई यानी परचेज बुक किसका भाग है? क्रय भाई दोस्तों, क्रय भाई को किसका भाग माना जाए? तो क्रय भाई दोस्तों आप जानते हो खाता भाई का भाग है? नहीं दोस्तों, व्यापारिक खाते का, स्थिति विवरण का। तो दोस्तों यहां पर मैं कह दूं कि जो क्रय भाई होती है वो केवल मुख्य जर्नल का भाग है, क्योंकि क्रय भाई और सहायक भाइयों की सहायता से ही खाता भाई का निर्माण किया जाता है, और क्रय भाई एक सहायक भाई होती है, क्रय भाई एक सहायक भाई होती है, जिसको जो प्रारंभिक पुस्तकों के अंतर्गत आती है और बुक कीपिंग के अंतर्गत दोस्तों इसे शामिल किया जाता है। बहुत अच्छा, अगला क्रय वापसी भाई का जोड़ लिखा जाए। भाई क्रय वापसी भाई का जो जोड़ वो कहां जाता है? तो सिंपल है, किसी भी भाई का लेखा उसके खाते में जाता है, और क्रय वापसी का खाता होता है क्रेडिट, तो क्रय वापसी खाते में जाता है। भाई परचेज बुक का जोड़ परचेज अकाउंट में जाता है, सेल्स बुक का जोड़ सेल्स अकाउंट में जाता है, क्रय वापसी भाई का जोड़ क्रय वापसी खाते में जाता है। तो आप जानते हो खाता मतलब लेजर, तो क्रय वापसी भाई का जो है जोड़ वो लेजर में जाएगा। कौन से लेजर में? परचेज रिटर्न के लिए, परचेज रिटर्न के लेजर में दोस्तों उसके जोड़ को लिख दिया जाएगा, परचेज रिटर्न के जोड़ वहां पर चला जाएगा। अगला मुख्य जर्नल, जो आपका जर्नल प्रॉपर होता है, मुख्य जर्नल में लेखांकन किया जाता है। मुख्य जर्नल में किस चीज का लेखांकन होता है? प्रारंभिक प्रविष्टियों का। मुख्य जर्नल में उन सभी मदों का लेखा किया जाता है जिनका लेखा क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, बीआर, बिल्स रिसीवेबल इनमें नहीं होता। तो जिनका लेखा अन्य बाकी सहायक भाइयों में नहीं होता उनका लेखा मुख्य, जैसे कि प्रारंभिक प्रविष्टियां, ये क्या होती है मैं पढ़ाऊंगा, अंतिम प्रविष्टियों का लेखा जो खातों को बंद करने के लिए की जाती है, समायोजित प्रविष्टियां, आपकी जितने भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड अनर्ज, इन सभी मदों का लेखा मुख्य जर्नल में होता है, क्योंकि इनका लेखा अन्य सहायक भाइयों में नहीं होता, इन सबका लेखा अन्य सहायक भाइयों में नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। एंड अगला प्रश्न है
विक्रय वापसी भई का जोड़। अब बताओ विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसका जोड़ विक्रय वापसी खाते में, विक्रय वापसी खाते के डेबिट में चला जाएगा। और आप जानते हो इसके लिए कौन सा नोट जारी होता है, क्रेडिट नोट। विक्रय वापसी का शेष डेबिट होता है, विक्रय वापसी भई का शेष डेबिट होता है, लेकिन इसके लिए दोस्तों क्रेडिट नोट जारी किया जाता है, क्रेडिट नोट हम जारी यहां पर करेंगे दोस्तों। ओके ओके दोस्तों, ये थे आज के 20 प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न आप लोगों को और अच्छे लगेंगे कब, जब आप लोग मेरे पेड कोर्स में जाकर आप लोग वहां पर इन क्लासेस को, आप एक काम करो, आज आप सहायक भाइयों वाले लेक्चर को ढंग से सुन लो, सहायक भाइयों वाले टॉपिक को ढंग से सुन लो, फिर आपको दोस्तों पढ़ने का और मेरे को पढ़ाने का और ज्यादा मजा आएगा और बहुत अच्छी क्लास होगी। क्योंकि दोस्तों हम डेली सुबह 8 बजे आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस कराएंगे, संडे की छुट्टी रखेंगे, कल संडे की क्लासे रखेंगे, तब दोस्तों जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो जाना सुबह 8 बजे आपको बुक कीपिंग की क्लास पढ़नी है, तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों, मस्त होकर पढ़िए, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपके साथ हूं, और मैं आपके साथ हूं तो शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे व्यापार को खत्म करने में आपका एक कदम मेरे लिए सराहनीय रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट मित्रों, बाय बाय। इसी प्रकार बने रहे दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर। हमारा ऐप का नाम क्या है? डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप। थैंक यू मित्रों।